हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और मेरे यूट्यूब चैनल क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। मूवी स्टार्ट होती है सन 1983 में, जहां एक अपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत को मार दिया जाता है और वह औरत विचक्राफ्ट और टोटके वाली चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व थी। फिर प्रेजेंट टाइम में कैरोलिना नाम की औरत अपना ब्रेकअप होने के बाद उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ मुश्किल से 4 से 5 लोग ही रहते हैं। अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलते वक्त उसे एक आदमी अजीब नज़रों से देखता है और वो आदमी जस्ट उसके ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। कैरोलिना को ये देखकर अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने फ्लैट में चली जाती है। अपने ब्रेकअप की वजह से कैरोलिना काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहती है और इस बात से उसका ध्यान कहीं नहीं लगता। फिर रात को कैरोलिना के पास उसके एक्स की कॉल आती है, जिसे वो पिक नहीं करती, लेकिन तभी वो नंबर रिडायल कर देती है और अपने एक्स को काफ़ी सुना देती है। फिर रात को सोते समय कैरोलिना का ऑटोमेटिक ब्रश ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से कैरोलिना उठ जाती है और उसको लगता है कि अपार्टमेंट में कोई है, लेकिन ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपना ब्रश ऑफ कर देती है और इसी बीच मिरर रिफ्लेक्शन में हमें एक बूढ़ी औरत दिखती है, लेकिन कैरोलिना उस पर ध्यान नहीं देती। अब उसने नया नया इस अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था, तो उसका सारा सामान जगह जगह बिखरा होता है, तो सोने जाते समय उसका कुछ सामान अपने आप गिर जाता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद इस घर में कोई चूहा होगा। अगली सुबह घर सेट करते करते कैरोलिना थोड़ा रेस्ट करती है और नोटिस करती है कि घर की दीवारों में से अपार्टमेंट के बाकी लोगों की आवाज़ आ रही है, जो कि उसे थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है। इसी बीच उसके डोर पर कैरोलिना की एक पड़ोसन आ जाती है, जिसका नाम एल्सा होता है, और वो कैरोलिना को वेलकम करती है और अपना नाम दरवाजे पर लिखने के लिए रिकमेंड करती है, ताकि लैंडलॉर्ड को पता चले कि किस घर में कौन रहता है, और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। कैरोलिना तभी अपना नाम डोर पर चिपका देती है, जिससे पहले वाले ओनर का नाम ढक जाता है। फिर कैरोलिना घर की सफाई में लग जाती है और तभी किचन में उसकी कुछ प्लेट्स अपने आप गिर जाती है, जिसे कैरोलिना समझ नहीं पाती कि ये सब कैसे हो रहा है। सफाई करते करते उसी घर में वो अजीब शख्स घुस जाता है, जिसका नाम जेसन होता है, और वो कैरोलिना को उसकी कीज लुटाने आता है और बात करते वक्त ऐसे बिहेव करता है कि वो कितना परवर्ट है। कैरोलिना को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो डिप्रेस्ड फील करने लगती है और फिर डिप्रेशन की गोलियाँ खाने लगती है। थोड़ा ठीक होने के बाद कैरोलिना फिर काम में लगती है और स्टोर रूम में रखने वाला सामान अलग कर देती है, और स्टोर रूम इस अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर होता है। इसी बीच कैरोलिना के पास एक बॉल अपने पास आ जाती है, जिस पर कैरोलिना ध्यान नहीं देती है और उसे भी वो स्टोर रूम बॉक्स में डाल देती है और स्टोर रूम जाने के लिए निकल जाती है। इसी बीच स्टेयर्स पर कैरोलिना का एक और पड़ोसी मिल जाता है, जिसका नाम फ्रैंक होता है, और वह अंधा होता है, और वो भी कैरोलिना को वेलकम करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर कैरोलिना स्टोर रूम पहुँचती है और उसको वहाँ थोड़ा डर लगता है, क्योंकि स्टोर रूम देखने में थोड़ा करीबी था और वहाँ अंधेरा भी था। कैरोलिना जल्दबाजी में वहाँ अपना सामान रख देती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। फिर अगली सुबह कैरोलिना अपने पैक्ड कपड़े निकालती है, जिसमें उसे अपने एक्स की एक टी शर्ट मिलती है, जिसके कारण कैरोलिना को उसकी काफ़ी याद आने लगती है और वो डिप्रेस्ड होकर रोने लगती है। तभी उसकी एक ओल्ड फ्रेंड एम्मा वहाँ आती है और कैरोलिना के साथ टाइम स्पेंड करती है। बातें करते करते शाम हो जाती है और कैरोलिना एम्मा से अपनी सारी बात शेयर करती है, और उसको साथ साथ अपनी मॉम की डेथ का भी दुख होता है, जिससे कैरोलिना काफ़ी डिप्रेस्ड रहती है। फिर एम्मा घर के लिए निकल जाती है और जेसन उसको भी बुरी नज़र से देखता है। फिर कैरोलिना सोने जाती है और उसे मॉर्निंग की आवाज़ें सुनाई देती है, क्योंकि जेसन उसके ऊपर वाले फ्लोर पर सेक्स कर रहा होता है, तो कैरोलिना इस चीज़ से काफ़ी परेशान होती है। फिर देर रात कैरोलिना का ओवन अपने आप ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज़ से कैरोलिना उठ जाती है, और अब कैरोलिना इन चीज़ों से काफ़ी परेशान होने लगती है। अगली सुबह कैरोलिना उठती है तो उसको फील होता है कि कोई उसके साथ उसके बेड पर लेटा हुआ है, जिससे वो घबराने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, बस रजाई की शेप एक पर्सन की शेप में बन जाती है। फिर कैरोलिना नाश्ता करके अपने कपड़े धोने बेसमेंट में जाती है, जहाँ वॉशिंग मशीन थी, तो तभी वहाँ एल्सा आ जाती है और वो उसका हाल पूछती है, और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो जानना चाहती हो कि कैरोलिना ठीक है या नहीं। तभी एल्सा 1983 में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन बताती नहीं है, और फिर एल्सा वहाँ से चली जाती है, लेकिन कैरोलिना को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। फिर स्टेयर्स पर कैरोलिना को मी नाम की बच्ची मिलती है,
जो उसकी हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करती है। तो कैरोलिना मान जाती है और मी उसका बैग लेके घर में चली जाती है। फिर मी कैरोलिना से बातचीत बढ़ाने की कोशिश करती है और कैरोलिना से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि उसने शादी क्यों नहीं की और वो बच्चे चाहती है या नहीं एक्सेट्रा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के पीछे मी का कोई एम ज़रूर था। तभी कैरोलिना देखती है जो बॉक्स वो स्टोर रूम में रखकर आई थी वो टॉय से भरा हुआ था और वो बॉक्स यहाँ वापस कैसे आ गया। फिर कैरोलिना पौधों में पानी देने चली जाती है और मी को उस बॉक्स में से एक अल्ट्रासाउंड फोटो हाथ लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि कैरोलिना पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर मी कैरोलिना के साथ रहने के लिए पूछ रही होती है, लेकिन तभी डोर नॉक होता है और डोर पर एल्सा होती है जो कि कैरोलिना को उसका एक कपड़ा देने आती है जो कि वॉशिंग मशीन में रह गया था। फिर कैरोलिना देखती है कि मी घर में छुप गई है, तो कैरोलिना पूछती है कि तुम छुपी क्यों, तो मी उसे बताती है कि उसको लगा कि डोर पर उसकी ग्रैंडमा है, जिससे मी काफ़ी डरती है। लेकिन कैरोलिना उसे समझाती है कि वो तुमसे कोई हेट नहीं करती और मी को घर जाने के लिए बोलती है। फिर अगली सुबह कैरोलिना मार्केट जाती है और घर का कुछ सामान लाती है और रास्ते में कैरोलिना को फ्रैंक मिल जाता है, जिससे वो मी और उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है। लेकिन वो उसको बताता है कि उस अपार्टमेंट में कोई छोटी बच्ची और ग्रैंड मदर नहीं रहती, लेकिन कुछ भूत ज़रूर हैं। और ये बोल के फ्रैंक हंसने लगता है और बोलता है कि वो मजाक कर रहा था। लेकिन कैरोलिना को इस बात से थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो अपने घर जाती है और मार्केट से लाया हुआ सामान रखती है और इसी बीच उसे घर की अलमीरा का डोर अपने आप खुलता है और बंद होता है, जिसे कैरोलिना मिस कर देती है और अपने काम पर ही फोकस करती है। फिर शाम को कैरोलिना अकेला फील करने लगती है तो वह एमा को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं पिक करती, तो कैरोलिना उसे मिलने के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। फिर रिलैक्सेशन के लिए कैरोलिना बाथटब में लेट जाती है और इसी बीच उसको बच्चे की ट्रॉली खींचने की आवाज़ आती है, लेकिन तभी वो आवाज़ रुक जाती है और कैरोलिना उसे इग्नोर कर देती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि बाथटब पूरा ब्लड में हो गया है, जिससे हमें पता चलता है कि कैरोलिना का बेबी जन्म से पहले ही उसके पेट में ही मर गया था। लेकिन ये बस एक विजन होता है जो कि कैरोलिना को नहीं दिखता। फिर नहा के वो बाथटब का पानी निकाल देती है और हमें देखने को मिलता है कि मी भी उसी बाथटब में कैरोलिना के साथ लेटी हुई थी, जो कि कैरोलिना को नहीं दिखता। फिर कैरोलिना सोने चली जाती है और हमें फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो कि मी के होते हैं। उसके बाद देर रात को कैरोलिना को अपने बेड से हाथ निकलते हुए दिखते हैं, जो कि उसको काफ़ी सीडियोस कर देते हैं। फिर अगली सुबह कैरोलिना रात के हुए इंसिडेंट से अपनी डिप्रेशन की दवाई लेती है और ब्रेकफास्ट करते वक्त उसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी मी वहाँ आ जाती है और कैरोलिना एकदम से डर जाती है और कभी भी उसे घर में घुसने की वजह से कैरोलिना मी पर गुस्सा करती है और उसको एल्सा के पास छोड़ने जाती है, क्योंकि कैरोलिना को लगता है कि एल्सा मी की ग्रैंड मदर है। लेकिन एल्सा उसे बताती है कि उसकी कोई ग्रैंड डॉटर नहीं है, जिसे सुनकर कैरोलिना परेशान होने लगती है, क्योंकि मी कैरोलिना के साथ ही खड़ी होती है और एल्सा को मी नज़र नहीं आती। फिर कैरोलिना परेशान होकर मी से उसका पास्ट पूछती है, क्योंकि वो कंफ्यूज थी कि एल्सा को मी क्यों नहीं दिखी। फिर मी उसे बताती है कि उसकी मॉम उसके पैदा होते ही मर गई थी, तो वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहने लगी थी। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि 1983 में एक बूढ़ी लेडी की डेथ हो गई थी, वो एक्चुअली मी की ग्रैंड माँ थी और वो टोटके जैसी चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व थी। एक रात मी बाथरूम में नहा रही होती है और वो अपनी ग्रैंड माँ का वेट कर रही होती है, लेकिन मी की ग्रैंड माँ जैसे ही बाथरूम में आती है वो मी को बाथटब में डुबा कर मार देती है। इस बात से मी की ग्रैंड माँ पागल जैसे होने लगती है, तो वह अपार्टमेंट के टॉप पर स्थित स्टोर रूम में सुसाइड कर लेती है और मी की आत्मा उसे दूर से देखती है। ये सुनकर कैरोलिना घबराने लगती है, क्योंकि वो उसी अपार्टमेंट में रहती है जहां वो ग्रैंडमा रहती थी। मी को माँ का प्यार कभी नहीं मिला था, तो वह अकेला फील करने लगी थी और वह कैरोलिना को इसलिए विजिबल हुई क्योंकि कैरोलिना भी उसकी तरह अकेला फील करती थी। तो मी को लगा कि कैरोलिना उसका दर्द समझ पाएगी, इसलिए वो चाहती है कि कैरोलिना उसकी मॉम बन जाए। लेकिन कैरोलिना उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो उसे बोलती है कि वो मी की मॉम कभी नहीं बन सकती, जिससे मी को काफ़ी दुख होता है। कैरोलिना उसे चले जाने को बोलती है, लेकिन कैरोलिना के मना करने पर मी को अब गुस्सा आ जाता है और वो अब घर का सारा सामान हिलाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुन के
कैरोलिना के सारे पड़ोसी डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो फ्लैट हॉन्टेड है, लेकिन उन्होंने कभी कैरोलिना को नहीं बताया। इसी समय कैरोलिना का सर फटने लगता है क्योंकि मी घर को तहस तहस कर रही थी, और जैसे ही मी शांत होती है वो अपनी शक्तियों से कैरोलिना को बहुत दूर फेंक देती है, जिससे कैरोलिना बेहोश हो जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि मी की मौत के बाद मी की आत्मा ग्रैंडमा को सताने लगी थी, जिसके कारण ग्रैंडमा ने सुसाइड कर लिया था, और ये देखकर मी की आत्मा को काफी खुशी मिली थी। इसी बीच ग्रैंडमा की आत्मा कैरोलिना पर हावी होती है और उसे गला घोट देती है, जिसे सब ब्लैकआउट हो जाता है। फिर कैरोलिना की आंख खुलती है और उसके पास मी बैठी होती है। तभी उसका डोर नॉक होता है और वो डोर खोलती है और डोर पर फ्रैंक होता है। कैरोलिना फ्रैंक को देखकर कुछ नहीं कहती, लेकिन फ्रैंक कैरोलिना को फील नहीं कर पाता और समझ जाता है कि दरवाजे पर कोई नहीं खड़ा है, और ये देखकर कैरोलिना घबरा जाती है, और तभी कैरोलिना घर में चली जाती है। तभी एमा कैरोलिना से मिलने आती है, लेकिन डोर नॉक करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो एक्स्ट्रा कीज से एमा डोर खोल देती है, और एमा देखती है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन कैरोलिना उसके सामने ही खड़ी होती है, पर एमा उसे नहीं देख पाती। फिर एमा एल्सा से कैरोलिना के बारे में पूछती है, लेकिन एल्सा उसको ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो कैरोलिना को जानती ही नहीं। फिर एमा कैरोलिना को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाती, और एमा फिर वहां से चली जाती है क्योंकि उसको कैरोलिना कहीं नहीं मिलती। वापस जाते वक्त एमा कैरोलिना के फ्लैट के विंडो पर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता, पर कैरोलिना वहीं खड़ी होकर एमा को देखती है और मदद की उम्मीद करती है। लेकिन कैरोलिना समझ चुकी थी कि वो अब मर चुकी है, और इस बात से कैरोलिना दुखी होती है, और अंत में मी कैरोलिना को अपने साथ कर ही लेती है। तो दोस्तों, ये थी सेंसोरिया की कहानी। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो लिंक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे DM करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।